नमस्कार। रेडियो खांची के सभी श्रोताओं को अजयदी वाधवा का एक बार पुनः नमस्कार। आज मैं फिर से जो रेडियो खांची से जुड़े हुए लोग हैं, प्रोफेसर आनंद हैं, सबको धन्यवाद देता हूं कि वो मुझे एक मौका देते हैं, अवसर देते हैं कि मैं अपने श्रोताओं के साथ, आप सब के साथ जुड़ सकूं। और कुछ जो ऐसी बातें हैं, जो ऐसे इश्यूज़ हैं जिस पर हम कभी खुल के बोलते हैं, कभी नहीं बोलते हैं, पर जो हमारे जीवन में ज़रूरी हैं, खासकर युवा वर्ग के लिए, जो हमारे विद्यार्थी हैं, कॉलेज के हैं, रांची यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं या कहीं के भी जो युवा वर्ग है, उसके लिए ज़्यादा आवश्यक है। आज मैं जो आपसे 5-7 मिनट जो बात करना चाहता हूँ, वो मेरा टॉपिक है अनुशासन। देखिए, हम लोग बचपन से सुनते आए हैं कि अनुशासन ही देश को महान बनाता है, अनुशासन ही व्यक्ति को महान बनाता है। तो मैं इस बात को बार बार रिपीट नहीं करूँगा, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। आपको भी बचपन पढ़ाया गया था, जब हम छोटे थे हमें भी पढ़ाया गया था। पर आज के जीवन में, और खासकर जब ये कोरोना काल आया, और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि मैं अपनी कंपनी के हॉस्पिटल में पोस्टेड हूँ, तब मुझे अपने जीवन में अनुशासन का महत्व ज़्यादा समझ में आया। हमारे हॉस्पिटल कोरोना हॉस्पिटल है, जिसमें जब रांची में जैसे पहली बार कोरोना आया तो रिम्स के साथ साथ गांधीनगर हॉस्पिटल में भी कोरोना के पेशेंट आने चालू हो गए। इसे मैंने देखा कि डॉक्टर, वार्ड बॉय, नर्सेस, टेक्नीशियन, ये पेशेंट के साथ डील कर रहे थे। उसके बाद ऑन ऑफिशियल भी थे, जो इंजीनियर्स हैं जो कोरोना वार्ड का पंखे चलाते हैं या कुछ गंदगियों पर सफाई करते हैं, या सफाई कर्मचारी हैं, या हम लोग जो फाइनेंस का लोग थे जो कोरोना का मटेरियल खरीदना था। एक चीज़ मुझे समझ में आई जो मैंने देखा, हो सकता है मैं पता नहीं, ये मेरा अनुभव के अनुसार मैं कह सकता हूँ कि जो व्यक्ति जो कोरोना से डील कर रहा था, जो डॉक्टर, जो नर्स या और जो कोरोना से जो डील कर रहे थे, जिनको हम लोग आजकल के ज़माने में कोरोना वॉरियर बोलते हैं, इसमें जो व्यक्ति अपने जीवन में अनुशासित रहा, वो कोरोना से उतना संक्रमित नहीं हुआ या बिल्कुल नहीं हुआ। ये कुछ जरूरी नहीं है, पर मैंने देखा कि अनुशासन में वो उसका स्वास्थ्य अच्छा रहा। तब मुझे पता चला कि अनुशासन, हम लोग जीवन में बोलते हैं कि अनुशासन अच्छा हमें बनाता है, महान बनाता है, पर एक बात हमें मुझे और समझ में आया कि हमें बीमारियों से ही बचाता है। आप बोलेंगे अनुशासन से बीमारी का क्या संबंध है? हमारे यहाँ कई ऐसे कोरोना वॉरियर थे जो शुरू से सुबह जल्दी उठना, 5 बजे उठ जाना, उसके बाद उठ के फिर दैनिक कर्म से फटाफट निवृत्त होने के बाद मॉर्निंग वॉक करना, एक्सरसाइज करना, योगा करना, जिम जाना, टाइम पर 6-6:30 बजे आ जाना, उसके बाद खाना खाना या नाश्ता करना, और वैसा खाना खाना, वैसा नाश्ता करना जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है, फल, जूस, ड्राई फ्रूट्स, रोटी, सब्जी, दाल, जो उसके बाद नशा नहीं करना, अनावश्यक देर रात तक जगना नहीं, देर रात तक टीवी नहीं देखना। यानी जो व्यक्ति, जो मेरा कोरोना वॉरियर शुरू से अपने जीवन में डिसिप्लिन था, वो उसका पहले इम्यून सिस्टम मजबूत रहा और उसको कोरोना अटैक नहीं कर पाया। और ये एक बात प्रूफ हो गई कि अनुशासन सिर्फ हमें महान ही नहीं बनाता, हमें एक सफल व्यक्ति ही नहीं बनाता है, ये हमको बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। तो अनुशासन हमारे जीवन में, अनुशासन एक नया रूप मेरे समझ में आया, और मुझे ये पता चला कि अनुशासन का हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल है। तो मैं आपसे आज यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आइए हम लोग अनुशासित बने, हम लोग अनुशासित बने। अपने सबसे पहले तो हम अनुशासन अपने जीवन में लाएं। प्रतिदिन 1 से 1.5 घंटा हम अपने शरीर को दें, योगा करें, जैसा मैंने पहले कहा, जो भी करना है, योग करना है, एक्सरसाइज करना है, जिम जाना है, वॉक पर जाना है, जॉगिंग करना है, इसको जरूर करें। खाना भी अनुशासित खाएं, ना ज़्यादा खाना ना कम खाना है। कम खाएंगे तो आपको भूख बार बार लगेगी, अनावश्यक चीज़ें खाएंगे। जो खाना खाना है वो समय पर खाना है, और उसके अलावा ऐसे पदार्थों को खाना है जो जंक फूड नहीं हो, यानी स्वस्थ फूड हो। जंक फूड ठीक है, कभी कभी खाने का मन करता है, कभी मुझे मन करता है सड़क वाला समोसा खाएं या गोलगप्पे खाएं, महीने में एक बार मैक्सिमम। तो आप जंक फूड ना खाएं, और सबसे पहले अपने जीवन में अनुशासन लाएं। आप अनुशासन में आएंगे, अगर हम अपने जीवन अनुशासन में आएंगे, तो जो हमारे साथ लोग रहते हैं वो भी अनुशासित हो जाएंगे। मैंने अपने ऑफिस में देखा है कि कई बार मीटिंग होती है तो हम लोग बोलते हैं, अरे फलाने डिपार्टमेंट के फलाने ऑफिसर ने मीटिंग बुलाई है, वो अपने ही 15-20 मिनट आधा घंटा लेट से आता है, तो क्या फ़र्क पड़ता है, हम भी आधा घंटा लेट से जाते हैं। आज कभी कभी ऐसा होता है कि हम ऐसे अफसर के साथ काम करते हैं, मीटिंग होती है जिसमें हम ये बोलते हैं कि बिल्कुल 10:30 अगर मीटिंग का टाइम है तो 10:30 पर मीटिंग में वो आ जाएंगे, हम भी 10:28 10:29 तक पहुंच जाते हैं। तो अनुशासन जब अपने हम मेंटेन करते हैं, तो हमारे परिवार वाले, हमारे दोस्त जिसके साथ हम डील करते हैं अपने ऑफिस में, वो भी समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति अनुशासन मानने वाला है, और वो भी उस अनुशासन को पालन करते हैं और हमें सम्मान देते हैं। यानी सब कुछ एक ढर्रे पर चलता है, सब कुछ एक अच्छे से चलता है और एक नियमबद्ध चलता है। इससे
काम भी सही होता है, काम की क्वालिटी भी इम्प्रूव करती है और लोग भी खुश रहते हैं। उसके बाद अनुशासन हमें सार्वजनिक जीवन में भी लानी चाहिए। मैं ये पहले भी कई बार चर्चा कर चुका हूँ, मैंने कई बार देखा है जिस प्रदेश में या जिस देश में या जिस समाज में लोग ज़्यादा अनुशासित हैं वो देश या वो समाज ज़्यादा विकास करता है। आप जापान का उदाहरण देख लीजिए। जापान आज सिर्फ दुनिया का एक ताकत बन पाया। 1945 में जापान में हिरोशिमा नागासाकी में बम फटा था और 47 में इंडिया आज़ाद हुआ था, तो कमोबेश हमारी आर्थिक स्थिति बराबर थी। आज जापान कहाँ, हम कहाँ पीछे छूट गए। जापान के साथ सबसे बड़ी बात रही अनुशासन, कार्य पर अनुशासन, नई चीज़ों की खोज में अनुशासन, नई तकनीकों को विकास करने में अनुशासन और स्वस्थ रहने में अनुशासन। आज अनुशासन का हम स्वस्थ रहते तो शायद ओलंपिक में हम कई गोल्ड भी जीतते। अभी जापान में जो ओलंपिक होने जा रहे हैं, हम मुझे उम्मीद है कि हमारे खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे और पहले का देखते हुए हमें 3-4 पदक मिल जाए तो हम खुश हो जाएंगे, जबकि बाकी देश सैकड़ों की संख्या में पदक जीतेंगे। तो अनुशासन हमें खेलों में मदद करता है। तो आइए आज रेडियो खांची के माध्यम से हम इस चीज़ को समझें, अनुशासन को हम बिल्कुल अपने जीवन में उतारें, अपने दैनिक जीवन में भी अपने आप को अनुशासित करें, अपने परिवार को अनुशासित करें, समाज को अनुशासित करें, नियमों का पालन करें। रोड के नियम हो, समाज के नियम हो, उनको पालन करें, ऑफिस के नियमों पालन करें। इससे समाज भी विकास करेगा, हमारा जीवन भी खुशहाल होगा और सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो प्रिय भारत देश है ये भी विकास करेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का मेरा ये पॉडकास्ट आपको उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। अगली मीटिंग में हम लोग अगली बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।